हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अंडर द स्का स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था रे और बीम क्या होती है रे की बात करूं तो अ सिंगल लाइन ऑफ लाइट इज नोन एज रे लाइट के एक सिंगल लाइन उस हम क्या कहते हैं रे कहते हैं फिर हमने देखा बीम क्या होती है अगर मैं बहुत सारी लाइट रेज ज्वाइन कर दूँ कंबाइन कर दूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बीम में कन्वर्ट हो जाती है फिर हमने देखा पैरल बीम क्या है कन्वर्जेंट बीम क्या है डाइवर्जेंट बीम क्या है तो पैरेल बीम क्या है स्टूडेंट्स जिसमें सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेल है सो डैट इज कॉल्ड एज पैरेल बीम कन्वर्जेंट बीम की बात करूं तो जितनी भी लाइट रेज हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर आके मीट कर रही हैं सो डैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम की बात करूं तो जितनी भी लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट से बाहर निकल रही हैं एमर्ज कर रही हैं एक पॉइंट से सो डेट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट बीम तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मैं दोनों को एक साथ डिफरेंशियट करूंगा अगर पहले मैं रिफ्लेक्शन बताता बाद में रिफ्रैक्शन बताता तो चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती तो इसीलिए मैं इस वीडियो में दोनों को एक साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स अगर मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन क्या है रिफ्लेक्शन में हमारा क्या होता है एक सपोज करिए ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेप निकल रही है एक लाइट रे निकल रही है तो वो एक ऐसे सरफेस पे टकरा रही है उस सरफेस से वो आगे नहीं जा सकती है तो आगे नहीं जाएगी तो क्या होगी वो वापस उसी मीडियम में पास हो जाएगी तो ये जो वापस जो रे जा रही है ये क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है यानी कि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है जो लाइट रे है वो आगे जाने की जगह क्या हो रही है बाउंस बैक हो रही है वो आगे पास नहीं हो रही है वो बाउंस बैक हो रही है तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि कि एक light ray ऐसे ऐसे सरफेस सरफेस पे पे स्ट्राइक टकरा रही है, उस सरफेस से आगे नहीं जा सकती आगे जाने की जगह क्या हो रही है बाउंस बैक हो रही है तो इस बाउंस बैक रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन जैसे सपोज करिए मैंने टॉर्च ली और टॉर्च मैं जला रहा हूँ वॉल की तरफ तो जो लाइट रे है वो कहां निकल रही है टॉर्च से निकल रही है और कहा स्ट्राइक करी, करी है वॉल पे स्ट्राइक कर रही है तो वॉल एक ऐसा सरफेस है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसमें से लाइट रे आगे नहीं पास हो सकती है तो आगे पास नहीं होगी तो क्या हो जाएगी बाउंस बैक हो जाएगी पीछे की तरफ बाउंस बैक हो जाएगी तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ठीक है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ सपोज करिए ये मेरे पास में मिरर है रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स मिरर्स में देखा जाता है या ऐसे ऑब्जेक्ट्स में देखा जाता है जो ऑब्जेक्ट्स हाइली पॉलिस्ड हैं। कैसे हैं? है? हैं। ठीक है स्टूडेंट्स हाईली पॉलिस्ड तो सपोज करिए मेरे पास में मिरर है तो मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पास नहीं होगी ठीक है स्टूडेंट्स अब यहां से मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से इस ऑब्जेक्ट से मेरी लाइट रे यहां पर स्ट्राइक कर रही है इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है यानि कि मिरर के सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये क्या होगा ये आगे जाने की जगह क्या हो जाएगी बाउंस बैक हो जाएगी यानी कि इस सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन यानी कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम विच वेन इट स्ट्राइक्सरफेस फ्रॉम विच इट कैन नॉट पास तो एक ऐसा सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है जहां से ये आगे नहीं जा रही है ये कहां जा रही है बाउंस बैक हो रही है पीछे की तरफ वापस जा रही है तो ये जो इंसिडेंट ये जो लाइट रे थी जो सरफेस पर स्ट्राइक कर रही थी इस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे ठीक है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इंसिडेंट रे और ये जो बाउंस बैक रे है जो बाउंस है जो वापस जा रही है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे ठीक है स्टूडेंट्स? और ये जो पॉइंट पॉइंट है, जिस पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही थी तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है सपोज करिए मैंने टॉर्च ले ली टॉर्च से मेरी लाइट रे निकल रही है तो ये जो लाइट रे निकल रही है और स्ट्राइक कर रही है मिरर मिरर पर mirror के पर के सरफेस स्ट्राइक कर रही है तो इस रे को तो मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो रे आगे जाने की जगह बाउंस बैक हो रही है वापस जा रही है तो उस रे को मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ठीक है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन एक थर्ड आती है है, है, जो इमेजिनरी काल्पनिक परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स और किसके परपेंडिकुलर है वो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये जो रे है ये जो थर्ड रे हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इस रे को हम कहते हैं इस वाली रे को हम कहते हैं नॉर्मल क्या कहते हैं नॉर्मल ठीक है स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं नॉर्मल अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना रही है जिसे हमने नाम दे दिया आई और इस आई एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल क्या कहते हैं इंसिडेंट एंगल ठीक है स्टूडेंट्स और ये जो रिफ्लेक्टेड है ये भी इस नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना रही है जिसे हमने नाम दे दिया आर तो इस एंगल आर को क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ठीक है स्टूडेंट्स तो रिफ्लेक्शन क्या है रिफ्लेक्शन में हमारा क्या हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट से हमारी लाइट रे निकल रही है और वो स्ट्राइक कर रही है एक ऐसे सरफेस पर जिस सरफेस से हो रही है. तो इस पूरे को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक्स व्हिच इट कैन नॉट पास इज नोन एज रिफ्लेक्शन तो हमने देखा इंसिडेंट रे क्या है इंसिडेंट रे हमारी वो रे है जो सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है और सरफेस के जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो बाउंस बैक रे है जो वापस जा रही है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे फिर हमने देखा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से और सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन कहती इमेजिनरी लाइन है और उस लाइन को हम क्या कहते हैं नॉर्मल कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स हमने देखा इंसिडेंट रेस नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना रही है उस एंगल का नाम है आई और इसे हम क्या कहते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे भी इस नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है जिसे हमने नाम दिया आर तो इस एंगल आर को कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल तो ये तो स्टूडेंट्स बात बात थी रिफ्लेक्शन की अब बात आती है रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन यूजली कहाँ देखा जाता है मिरर पर देखा जाता है या ऐसे सरफेस पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर देखा जाता है जो कि हाईली पॉलिस्ड हैं कैसे हैं हाईली पॉलिस्ड हैं अब बात आती है रिफ्रैक्शन की तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन यूजुअली हमारा देखा जाएगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में देखा जाएगा तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता क्या है स्टूडेंट्स अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो रिफ्रैक्शन क्या है रिफ्लेक्शन में हमारी क्या थी लाइट रे पास नहीं हो रही थी आगे लेकिन रिफ्रैक्शन की बात करूं ये मेरे पास में एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्या है ट्रांसपेरेंट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है सपोज करो मेरे पास में ग्लास है तो मेरी जो लाइट रे है वो इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे स्ट्राइक कर रही है और किस मीडियम से आ रही है वो आ रही है एयर से ठीक है स्टूडेंट्स? तो मैंने क्या देखा ये जो लाइट रे है वो बाउंस बैक नहीं हो रही है क्यों बाउंस बैक नहीं हो रही है क्योंकि हमारा जो मीडियम है जो हमारा अब वाला मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट है जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ट्रांसपेरेंट है तो हमने देखा ये लाइट रे पीछे जाने की जगह क्या हो रही है आगे की तरफ पास हो रही है आगे की तरफ जा रही है लेकिन आप देखिए ये स्ट्रेट नहीं जा रही है हल्की सी बैंड हो गई है ये बैंड हो गई है तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम किस मीडियम से आ रही थी एयर से आ रही थी और किस मीडियम में पास हो रही है ग्लास में पास हो रही है तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन तो सेम इसमें भी वही बात आती है अगर इस वाली लाइट रे की बात करूं तो ये क्या है मेरी इंसिडेंट रे है ये क्या हो गया मेरा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ इंसिडेंट फिर वही इस मीडियम के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल और ये जो रे है ये जो रे है जो बेंड हो गई है और पास हो गई है इस रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे क्या कहते हैं रिफ्रेक्टेड रे ठीक है स्टूडेंट्स इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे अब क्या है अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है ठीक है स्टूडेंट्स ये नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है जिसे हमने नाम दिया आई और ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल ऐसे ही ये रिफ्रेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है जिसे हमने नाम दिया आर तो इस आर एंगल को हम क्या बोलेंगे पहले क्या था रिफ्लेक्टेड एंगल अब क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल पहले क्या था रिफ्लेक्टेड एंगल क्योंकि प्रोसेस क्या था रिफ्लेक्शन अब क्या है हमारा प्रोसेस रिफ्रैक्शन तो जो एंगल आर बन रहा है यानी कि रिफ्रैक्टेड रे किसके साथ में एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ में तो इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल ठीक है स्टूडेंट्स तो रिफ्रैक्शन यूजुअली वहां पर देखा जाता है जो ऑब्जेक्ट हमारे या जो मीडियम हमारा ट्रांसपेरेंट है अब ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करने के बाद में आगे पास हो गई लेकिन ये हो गई 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 ऐसे ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं नहीं हल्की सी क्या हो गई बैंड हो गई ठीक है स्टूडेंट्स बैंड हो गई तो बेंडिंग क्यों हो रही है ये बेंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इस मीडियम में जो स्पीड थी लाइट की वो डिफरेंट थी हमने पढ़ा भी था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड अब लेकिन जब ये दूसरे मीडियम में पास हुई तो यहां पर लाइट की स्पीड चेंज हो गई क्या हो गई लाइट की स्पीड चेंज हो गई यहाँ पर लाइट की स्पीड अलग थी, यहाँ पर लाइट की स्पीड थी। तो जो बेंडिंग हो रही है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्शन हम बोल सकते हैं अगर रिफ्रैक्शन की बात करूं तो रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है तो मैं यहां लिख सकता हूं रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट यानि कि पहले जब मीडियम एयर था तब स्पीड लाइट की अलग थी like, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ किस मीडियम में आ गया ग्लास में ग्लास में कितनी स्पीड होती है लाइट की टू इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड तो जैसे ही मीडियम चेंज हुआ लाइट की स्पीड चेंज हो गई तो ये जो बेंडिंग है जो बेंडिंग का मेन रीजन है जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ठीक है स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा मैं आपको और डीप में ले जाऊंगा रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है इसे मैं रब कर देता हूँ स्टूडेंट्स अगर मैं बात करू मीडियम की तो अगर मैं मीडियम की बात करता हूं तो हमारे पास में यूजुअली दो टाइप के मीडियम होते हैं स्टूडेंट्स एक होता है हमारा रेयरर मीडियम और एक होता है स्टूडेंट्स हमारा डेंसर मीडियम स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम तो अगर मैं रेयर मीडियम की बात करूं तो रेयर मीडियम कौन सा मीडियम है तो स्टूडेंट्स अगर मैं रेयर मीडियम की बात करता हूं तो रेयर मीडियम हमारा वो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है यानी कि रेयर मीडियम इज डेट मीडियम इन विच लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्म और स्पीड ऑफ लाइट इज मोर और अगर मैं डेंसर मीडियम की बात करूं तो डेंसर मीडियम हमारा वो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है ठीक है स्टूडेंट्स सो डेंसर मीडियम इज डेट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस तो स्टूडेंट्स याद रखना रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी कम होगी जैसे अगर मैं बात करूं मैंने दो मीडियम ले लिए एयर और ग्लास एयर में कितनी स्पीड है लाइट की थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड और ग्लास में कितनी है टू इंटू टें टू दावर एट मीटर पर सेकेंड तो स्टूडेंट्स अब ये बताओ कि इन दोनों मीडियम में से रेयर कौन सा है और डेंसर कौन सा है तो स्टूडेंट्स जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है वो मीडियम रेयर होगा यानी कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में ज्यादा है एयर में ज्यादा है सो so, ये एयर में कितनी है थ्री इंटू टेंट मीटर पर सेकेंड तो जो ये मीडियम है एयर ये कैसा होगा रेयर और ये मीडियम कैसा होगा ये मीडियम होगा डेंसर ठीक है स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपके सामने ये ले लू मैंने ले लिया वाटर और ग्लास तो स्टूडेंट्स वाटर में लाइट की स्पीड कितनी है 2.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है स्टूडेंट्स और ग्लास में कितनी है 2 इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड तो स्टूडेंट्स अब मुझे ये बताना है कि दोनों में से रेयरर मीडियम कौन सा और डेंसर मीडियम कौन सा है तो रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम मीडियम वो medium होता है है जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है. तो वाटर क्या हुआ हमारा रेयरर मीडियम ठीक है स्टूडेंट्स और ग्लास क्या हुआ हमारा डेंसर मीडियम ठीक है स्टूडेंट्स तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम समझ में आया मैं लिख देता हूं यहां पे अगर मैं रेयरर की बात करूं

ज डेट मीडियम इज डेट मीडियम इन विच इन विच स्पीड लाइट इज लेस इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस ठीक है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं आप लिख सकते हैं इसीलिए मैं वो लिखवा रहा हूं अगर मेरे पास में एयर है और वाटर है तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी है थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड वाटर में कितनी है टू तो पॉइंट ठीक है स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ये बेंडिंग किस हिसाब से होती है हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या है बेंडिंग ऑफ लाइट रे वेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो अब हम ये देखते हैं मैं आपको दो केस बताता हूं इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में बता रहा हूं मैं आपको दो केस बताता हूं सपोज करो केस वन है मेरा वेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम यानी कि हमारी जो लाइट रे है वो किस मीडियम से किस मीडियम की तरफ जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है यानी कि रेयर मीडियम से कहा पास हो रही है डेंसर मीडियम में पास हो रही है तो अगर मैं डायग्राम बनाऊ सबसे पहले केस सेकेंड और लिख लेते हैं केस सेकेंड की बात करूं अगर मैं सेकेंड मेरा है वेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम अब कहां से कहां पास हो रही है केस सेकंड में में मीडियम मीडियम टू रेयर दोनों डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं दोनों को डिफ्रेंशियट कर रहा हूं ध्यान से समझना स्टूडेंट्स डेंसर मीडियम टू रेयर और मीडियम ठीक है स्टूडेंट्स तो अगर मैं इसकी बात करूं तो डायग्राम देखते रहना स्टूडेंट्स अब ये मेरा रेयरर मीडियम है और ये मेरा डेंसर मीडियम यानी कि लाइट रे जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है यानी कि ये मेरी रे आई ये मेरी लाइट रे इंसिडेंट हुई इस लाइट रे को हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे ठीक है स्टूडेंट्स और जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करिए वो पॉइंट क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अब क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम सरफेस के सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं नॉर्मल ठीक है स्टूडेंट्स ये मेरी नॉर्मल हो गई तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना जब हमारी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स यानी कि ये जो बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है ये जो बेंडिंग हो रही है वो किधर की तरफ हो रही है नॉर्मल की तरफ हो रही है ठीक है स्टूडेंट्स और ये आगे पास करिए तो इस लाइट रे को हम क्या कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे यानी कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है ठीक है स्टूडेंट्स ये एंगल हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो स्टूडेंट्स हमने ये कॉन्क्लूड करा कि व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम सो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ठीक है स्टूडेंट्स तो इस केस में क्या लिखेंगे हम इस केस में हम लिखेंगे वेन लाइट रे पासज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू रेयरर टू डेंसर मीडियम सो इट बैंड इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल किधर किधर बैंड करिए टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है ठीक है स्टूडेंट्स? और इस केस में हम देखेंगे कि एंगल आई ये देखो ये एंगल आई है ये जो एंगल आई है वो इस एंगल आर से कैसा है बड़ा है यानी कि एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये पॉइंट हमने बना लिया अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड की जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैं इसे नाम दे दूंगा, ये है नॉर्मल अब हम इसकी बात करें ये हमारा डेंसर मीडियम है अब दोनों में डिफरेंस देखते रहना और ये हमारा रेयर मीडियम है ठीक है स्टूडेंट्स अब ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे ये हो गई इंसिडेंट रे ठीक है स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है ये नॉर्मल अब स्टूडेंट्स जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये जो बेंड होगी ये नॉर्मल से दूर होके बेंड होगी ठीक है स्टूडेंट्स पहले कहां पर बेंड हुई थी नॉर्मल के पास में बेंड हुई थी नॉर्मल से क्लोज बेंड हुई थी टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई थी अब क्या है अब ये नॉर्मल से दूर हटके बेंड होगी यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी सो यहां देख सकते हैं हमारी रिफ्रैक्टेड रे कौन सी रे रिफ्रैक्टेड रे ठीक है स्टूडेंट्स और ये जो एंगल है ये एंगल हो गया हमारा आई और ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो गया हमारा ठीक है स्टूडेंट्स तो इस केस में हम लिख सकते हैं व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम यहां पर लिख देता हूं मैं व्हेन लाइट रे पासज फ्रॉम पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम अब कहां से कहां पास हो रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में पास हो रही है तो किधर की तरफ बैंड होगी इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल सो इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है स्टूडेंट्स ये नॉर्मल से दूर हटके बैंड हो रही है और यहां पर क्या था नॉर्मल के क्लोज होकर बैंड हो रही थी टुवर्ड्स द नॉर्मल नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही थी इसमें क्या था इसमें एंगल आई एंगल आई जो था वो एंगल आर से क्या था ज्यादा था लेकिन इस केस में एंगल आई एंगल आर से कैसा है छोटा है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वी कैन से इंसिडेंट एंगल इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टेड एंगल और इस केस में क्या था इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल तो स्टूडेंट्स ये जो बेंड होती है तो ये स्पीड पे डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ बेंड हो रही है यानी कि किस मीडियम से किस मीडियम की तरफ पास हो रही है हमने देखा रेयर से अगर डेंसर में पास हो रही है लाइट रे तो वो बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ऑब्वियसली बात है बेंडिंग तो होनी है क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो रही है तो फिर हमने ये भी देखा कि अगर रेयर से डेंसर की डेंसर में पास हो रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो एंगल आई जो है वो बड़ा है किससे एंगल आर से इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन रिफ्रेक्टेड एंगल लेकिन जब वो लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से कहा जा रही है रेयरर में जा रही है तो बेंडिंग कहां हो रही है बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है और हमने ये भी देखा जो इंसिडेंट एंगल है वो छोटा हो गया इस केस में रिफ्रैक्टेड uh, एंगल इज लेसर ठीक है वो सेम नहीं होंगे न तो एंगल इंसिडेंट एंगल आर के सेम होगा नहीं होगा रिफ्रैक्शन केस में नहीं होगा यानी कि एंगल आई विल नॉट बी इक्वल टू एंगल आर इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन के केस में एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर किस केस में रिफ्लेक्शन के केस में ठीक है स्टूडेंट्स तो आज की वीडियो में हमने देख, देखा कि रिफ्लेक्शन क्या है रिफ्लेक्शन क्या और और है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन और कब हो रही है बाउंसिंग जब इंसिडेंट रे एक ऐसे सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है जिस सरफेस से वो आगे पास नहीं हो सकती है तो क्या हो रही है वापस जा एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है ठीक है तो कहां पर देखा जाता है रिफ्लेक्शन मिरर्स में देखा जाता है रिफ्रैक्शन क्या है रिफ्रैक्शन में जो लाइट रे है वो बाउंस बैक नहीं हो रही है वो आगे पास हो रही है लेकिन जब आगे पास हो रही है तो वो बेंड हो रही है और ये जो बेंडिंग है वो क्यों हो रही है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तब वो बेंड हो रही है तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड भी क्या हो रही है चेंज हो रही है और इसी लाइट की स्पीड की वजह से ये बेंडिंग हो रही है लाइट की तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं तो रिफ्रैक्शन यूजली कहा देखा जाता है स्टूडेंट रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में देखा जाता है और रिफ्लेक्शन किन में देखा जाता है मिरर्स में देखा जाता है अगर मैं आपको ये कहूं कि जब आप स्कूल जाते टाइम कि है और ये आप है स्कूल जाते टाइम मिरर में अपने बाल सही करते हैं सही करते हैं सब अपना चेहरा देखते हैं ये जो है ये इंसिडेंट रेस मिरर पर पड़ रही है तो ये मिरर क्या है एक तरह से ओपेक ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि जिसमें से लाइट पास नहीं होती तो वापस बाउंस बैक कर रहा है ये देखो तो जो आपको मिरर में दिख रहा है अपनी अपना अपनी इमेज दिख रही है वो क्या है वो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन यानी कि जब आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं तो वो जो शीशे में इमेज दिख रही है वो क्या है रिफ्लेक्शन है ठीक है स्टूडेंट्स तो आज की वीडियो में हमने देखा वॉट इज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या है रेयरर मीडियम क्या होते हैं डेंसर मीडियम क्या होते हैं फिर हमने देखा अगर रेयरर से डेंसर में लाइट पास हो रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और इस केस में एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से फिर हमने देखा अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में पास हो रही है तो वो नॉर्मल से दूर हट के होगी ठीक है स्टूडेंट्स और इस केस में एंगल आई छोटा होगा एंगल आठ से तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थैंक यू स्टूडेंट्स टेक केयर